मेरे विचार से तुम्हारे हित में यही होगा कि मैं यहां से सदा सदा के लिए चला जाऊं। किंतु तुम मुझे रोकने क्यों आई थी रात? कल जब मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तुमसे बांटने आया था, तुमने मिलना अस्वीकार कर दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ऐसे इस प्रकार यहां पे आना पड़ा? मैं यहां क्यों आई? मुझे क्या तुम तक खींच के लाया है? ना मेरे पास इसका कोई उत्तर है और ना ही स्पष्टीकरण। मैं बस इतना जानती हूं कि यदि तुम यहां से चले गए तो मैं कभी प्रसन्न नहीं रह पाऊंगी। तुमने सही कहा था, मैं अपने जीवन के नए पद पर आगे बढ़ चुकी हूं और मुझे इस नए संबंध के लिए निष्ठा निभानी होगी। केवल मेरी शुभकामना ही तुम्हारे साथ रह सकती है, मैं नहीं। ये क्या कहना? राधा चली गई और तुम्हारे मुख पर मुस्कान? क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि की महानता का आभास जो मुझे हो गया था। विचित्र बात है, संसार नारायण से ज्ञान पाता है और आज मनुष्य जीवन नारायण को ज्ञान देके। क्या कह रहे हो कान? देखो पहेलियां मत बुझाओ। मुझ तो वो पहेली गई है जिसमें आपका काना उलझा था दाव। मुझे बताइए, राधा कृष्ण पृथ्वी पर क्यों आए थे? प्रेम समझाने, प्रेम सिखाने। और यही बात तो वो समझ नहीं पाए कि प्रेम की ये सीख अभी अधूरी है। तो अभी हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। राधा और कृष्ण को अब भी एक प्रेम के महाअध्याय को जीना होगा। राधा के माध्यम से इस संसार को प्रेम का सार सिखाना होगा। और जब तक प्रेम का असली अर्थ कृष्ण नहीं समझाएगा, तब तक कृष्ण यहां से नहीं जाएगा था। हाँ तो सिखा देना संसार को प्रेम, किंतु पहले मुझे तो बताओ कि ये प्रेम का नया महाअध्याय है क्या कान्हा? अवश्य बताऊंगा, सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, किंतु अभी इस क्षण मेरा कहीं और जाना अति आवश्यक है। ठीक है, चलो आते। विचित्र है ये और इसकी प्रेम कहानी। ब्राह्मण देव क्षमा करें, हमारी बहू से बहुत बड़ी भूल हुई है। क्षमा करें ब्राह्मण देव, क्षमा करें। हर अपराध क्षमा योग्य नहीं होता है उर्पद। हमें निमंत्रित करके लज्जित किया गया, इतना घोर अपमान आज तक नहीं हुआ। हम महर्षि दुर्वासा के शिष्य हैं, मात्र एक श्राप से तुम्हारे कुल का अंत हो जाएगा। नहीं, क्षमा करें ब्राह्मण देव, क्षमा करें। नहीं नहीं महाराज, दया करें, शांत हो जाइए। मैं स्वयं राधा को लेकर आता हूं। चलो कीर्तिदा। नहीं, देखिए विवाह के पश्चात राधा का दायित्व तो हमारा है। इससे जो भी अच्छाई बुराई सब हमसे जुड़ी हुई है। आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें वृषभान जी, मैं राधा को ढूंढ के लाता हूं। उचित कहा उग्रपद,
राधा इस परिवार का अंश है, आपके पुत्र की अर्धांगिनी, इसलिए सारा दोष राधा को देना उचित नहीं है। दोष उसका है जो धर्म से उसके साथ जुड़ा है। आपका नहीं महाराज, जो भी कुछ आज हुआ इसमें मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं, विश्वास कीजिए। स्वागत छोड़कर तुम कहां चली गई थी राधा? मौन क्यों खड़ी हो? मुझे इस बात का उत्तर किसी भी स्थिति में चाहिए राधा, उत्तर दो, तुम कहां गई थी? राधा मुझसे मिलने आई थी।